हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पंडा फ्री एंटी कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 10 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गाय यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं आप अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना पंडा फ्री एंटी इस तरह से टाइप कीजिएगा इसके बाद आपको इंटर कर देना है इंटर करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट या सेकेंड ऑप्शन दिख जाएगा इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं इसका ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा बाकी इसका लिंक आपको फेसबुक यानी तो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा या तो आप वहां से इस लिंक को कॉपी कर लीजिएगा अपने ब्राउजर क्यूर में पेस्ट कीजिएगा इंटर कीजिएगा तो भी डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा ये पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाउनलोड का यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा होगा फ्री एंटी इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड दिख जाएगा तो आपको क्या करना है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देने क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको यहाँ पे फ्री वाला मिलेगा इसके नीचे फ्री डाउनलोड होगा तो आपको क्या करना यहाँ पे क्लिक कर देने क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपको डाउनलोड नाउ दिखेगा तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देने क्लिक करते हैं इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है कुछ सेकंड वेट करने के बाद इस तरह से ऑटोमेटिक पेज ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करना है आप जहाँ पे भी एक को सेव करना चाहते हो पास सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं हो जाएगा डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ आपने exe को सेव किया है वहां पे आपको इस तरह से ई दिख जाएगा अब आपको क्या करना है इस ई एक्सी को आपको राइट क्लिक करना है इसके बाद आपको प्रोपर्टी पे क्लिक कर देना है, क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी यहाँ पे अनब्लॉक दिखता है तो आपको क्या करना है इसको टिक मार्क कर देना है इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है ओके करके बाहर आ जाना है अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है या तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं तो रन मिस्टर के ऊपर आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं तीनों चीज में से कोई एक चीज आप कर लीजिएगा लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा कोई भी एप्लीकेशन आपको रन मिस्टर पे ही क्लिक करके इंस्टॉल करना चाहिए इसीलिए मैं अपने केस में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ क्लिक करते इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा आप मान लीजिए आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाए जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन का पाथ दिख जाएगा यदि आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं इसके बाद आपको एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देना इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पे बस आपको वेट करना है इसके बाद यह विंडो ओपन हो जाएगा अब आप आपको क्या करना है यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है फिनिश पे क्लिक करते हैं इस तरह से ब्राउजर में पेज ओपन हो जाएगा अब आप इस ब्राउजर को या तो क्लोज कर दीजिएगा या नहीं तो इसको आप मिनिमाइज कर दीजिएगा मिनिमाइज करने के बाद आपको क्या करना है इसको आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है डबल क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा और ब्राउजर में फिर से इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा तो आपको क्या करना है इसको यहाँ से क्लोज कर देना है अब आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इसको आप यूज कर सकते हैं या नहीं तो आप यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है क्लोज करने के बाद भी आप यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं और प्लीज गाय चैनल को सब्सक्राइब करे लाइक करे शेयर करे थैंक यू